इस बार आसाम की जो सरकार आया, ये सरकार ने बोला हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, ये एनआरसी को हम लोग नहीं मानेंगे। देखिए ये लोग सुप्रीम कोर्ट को नहीं मान रहा है। जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला जो आदमी का आधार कार्ड नहीं मिलने से, आधार कार्ड नहीं है, आधार कार्ड नहीं होने से वो लोग सरकारी कोई सुविधा नहीं मिल रहा है। इसीलिए हम लोग सुप्रीम कोर्ट में फिर भी जा रहा हूं कि जितना भी आदमी को ड्रॉप हुआ है उसको रिजेक्शन स्लिप देना चाहिए, एनआरसी का सर्टिफिकेट भी देना चाहिए, और उसको आधार कार्ड जो नहीं मिल रहा है उसके लिए जो सरकारी सुविधाएं नहीं मिल रहा है उसको भी आधार कार्ड देना चाहिए। यह मांग लेकर भी हम सुप्रीम कोर्ट जा रहा है। रजाउल करीम सरकार, अस्सलाम वालेकुम। अदेहम ऑल आसाम माइनॉरिटी स्टूडेंट्स यूनियन प्रेसिडेंट ആണ്। NDCA മൂവ്മെന്റ് പ്രക്ഷോഭകാലത്ത് വലിയ അർത്ഥത്തിൽ ആസാം കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് പ്രക്ഷോഭത്തിൻ്റെ മുൻനിരയിൽ ഉണ്ടായ യുവ നേതാവാണ്. അദ്ദേഹത്തെ ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് സോളിഡാരിറ്റിക്ക് വേണ്ടി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അഭി, ഈ കോവിഡ് കെ ബാദ് അഭി ആസാം മേ ക്യാ ഹാലാത് ഹേ, മത്ലബ് NDCA മൂവ്മെന്റ് ഇസ്കെ ബാരേ മേ. അസ്സലാമു അലൈക്കും. തോ मैं रजाउल करीम सरकार, मैं आसाम से आया हुआ हूँ, ऑल आसाम माइनॉरिटी स्टूडेंट्स यूनियन का प्रेसिडेंट हूँ। तो मेरे को NRCCA के बारे में बोलने के लिए बोला। NRC के बारे में बोलने से मेरे शरीर का नुमठे खड़ा हो जाता, क्योंकि आप लोग जानते हैं ये सही NRC के लिए, सही NRC के मांग के लिए 2010 के 21 जुलाई तारीख को मेरे चार साथियों ने शहीद हुआ, 150 से अधिक मेरे साथियों ने घायल भी हुआ था। उसी समय से हम लोग एक सही NRC के मांग के लिए आसाम में डटे हुए हैं। हम लोग सुप्रीम कोर्ट में भी पार्टी है। आप लोग जानते हैं आसाम में हम लोग इसीलिए NRC की मांग कर रहा था कि हर रोज सुबह उठ के अखबार और टीवी खुलने से देखते हैं गरीब आदमी को, कोई गरीब का घर देख के, कोई दाढ़ी देख के, कोई टोपी देख के, कोई लुंगी देख के उसको बांग्लादेशी बोल के अपमानित किया जाता है, उसके ऊपर हेरेसमेंट किया जाता है। इसीलिए 1979 जब आसाम मूवमेंट हुआ था उसके बाद आसाम एकॉर्ड किया था आसू और स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके बाद वो एकॉर्ड में 1971 25 मार्च काट ऑफ ईयर करके 1971 की 25 मार्च की बात, जो भी विदेशी है वो हिंदू हो मुसलमान हो आसाम से जाना पड़ेगा, वो जो एकॉर्ड किया उस एकॉर्ड को आसाम की सभी लोगों ने मान लिया, आसाम की मुसलमानों भी मान लिया। यस, बांग्लादेशी इश्यू को, बांग्लादेशी इशू को लेके जो मुसलमान के ऊपर जो हर रोज अपमानित किया जाता है, अत्याचारी किया जाता है, तो उसको खत्म हो जाना चाहिए। इसीलिए वो एकॉर्ड हम सब लोग ने मान लिया और हम लोग मांग कर रहा है कि 71 के पीछे वाला जो भी हो आसाम पे जाना है और NRC को सही शुद्ध में NRC होना चाहिए। और इसी मांग के लेके हम लोग NRC के मांग के तहत आज सुप्रीम कोर्ट में ये मामला चला। 2013 में हम लोग भी प्रतिपक्ष पार्टी सुप्रीम कोर्ट में हुआ और ये सुप्रीम कोर्ट के निगरानी में NRC के काम चलने के बाद 2019 की 31 जुलाई में फाइनल NRC जब निकला तब आसाम में फिर से हल्ला मचा कि ये NRC हम लोग नहीं मानेंगे। ये NRC में 19 लाख आदमी कैसे ड्रॉप हुआ, ज्यादा ड्रॉप होना चाहिए था। उसका मकसद था कि जितना भी मुसलमान है आसाम में सबका नाम ड्रॉप होने से वो सही NRC होता। हम लोग बोला सुप्रीम कोर्ट को निगरानी में आसाम की ये NRC के काम चला, NRC कोऑर्डिनेटर ने सब कुछ देखा, उसके बाद भी ये बोल रहा है कि NRC हम लोग नहीं मानेंगे। 19 लाख आदमी को नाम ड्रॉप हुआ, उसके बाद RGI ने बोला कि 19 लाख आदमी को रिजेक्शन स्लिप देके इसको NRC में नाम इसको घुसाना चाहिए, इसको नाम अंतर्भुक्त करना चाहिए। लेकिन अभी तक
ये काम नहीं असम की जो कोऑर्डिनेटर एनआरसी की मौजूदा कोऑर्डिनेटर है वो अभी तक नहीं कर रहा है। इस बार असम की जो सरकार आया ये सरकार ने बोला हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, ये एनआरसी को हम लोग नहीं मानेंगे। देखिए ये लोग सुप्रीम कोर्ट को नहीं मान रहा है। जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला, जो सुप्रीम कोर्ट के निगरानी में एनआरसी हुआ वो भी नहीं मान रहे। फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर ने बोला ये बहुत साइंटिफिक मेथड से सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में ये एनआरसी हुआ है। हमारा स्टेट होम मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में बोला जो ये सही एनआरसी पब्लिश हुआ है, बहुत सी अच्छी तरह से ये सुप्रीम कोर्ट ने देखभाल किया, ये पब्लिश किया है। लेकिन वो लोग अभी नया नया बात बोल रहा है कि ये एनआरसी हम लोग नहीं मानेंगे। जो भी असम की 100% माइनॉरिटी डोमिनेट जो एरिया है, जो माइनॉरिटी डोमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट है, उस डिस्ट्रिक्ट को 100% रिवेरिफिकेशन होना चाहिए। मैं आज इस महफिल में, मैं आज इस सभा में दावे से कह रहा हूं, केरला में दावे से कह रहा हूं, 1971 की 25 मार्च की बात कोई मुसलमान आसाम में कहा से कहा कोई से भी नहीं आया। आसाम में कोई बांग्लादेशी नहीं है मुसलमान। ये मैं दावे से आज यहां पे कह रहा हूं। ये सारे साल झूठा इंजाम लगा के हमारे ऊपर अत्याचार करने की एक साजिश है। तो हमने भी डिसीजन ले लिया, असम सरकार अगर सुप्रीम कोर्ट में ये माइनॉरिटी डोमिनेटेड एरिया को रिवेरिफिकेशन के लिए ये मांग करेगा, हम लोग भी सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, हम लोग भी सुप्रीम कोर्ट के दर्जा खटखटाएंगे। और हमारा विश्वास है पहले से सुप्रीम कोर्ट इस मामले पे बहुत अच्छी तरह से निगरानी कर रहा है, हमको जस्टिस मिलेगा, असम की माइनॉरिटीज को जस्टिस मिलेगा। तो यही बात चल रहा है असम में। तो असम की एनआरसी के काम अभी रुका हुआ है। आज 19 लाख आदमी को नाम ड्रॉप आउट हुआ है। आज 19 लाख आदमी का आधार कार्ड नहीं मिलने से, आधार कार्ड नहीं है, आधार कार्ड नहीं होने से वो लोग सरकारी कोई सुविधा नहीं मिल रहा है। इसीलिए हम लोग सुप्रीम कोर्ट में फिर भी जा रहा हूं कि जितना भी आदमी को ड्रॉप हुआ है उसको रिजेक्शन स्लिप देना चाहिए, एनआरसी का सर्टिफिकेट भी देना चाहिए, और उसको आधार कार्ड जो नहीं मिल रहा है उसके लिए जो सरकारी सुविधाएं नहीं मिल रहा है उसको भी आधार कार्ड देना चाहिए। यह मांग लेकर भी हम सुप्रीम कोर्ट जा रहा है। तो एनआरसी की इस पोजीशन आप ऐसी सिस्टम में चल रहा है, हम आपको यही बात बोल रहा है कि आप लोग भी हमको, हम सुप्रीम कोर्ट में पहली से सुप्रीम कोर्ट में हम लोग लगे हुए हैं, ईमानदारी से लगे हुए हैं, आप लोग भी हमको कोई सजेशन हो, कोई मदद हो, आप लोगों भी हमको करना पड़ेगा, असम की माइनॉरिटीज के हित में, असम की मुसलमानों के हित में। हम किसी के खिलाफ नहीं है, लेकिन असम में हम मुसलमान जो जितना भी माइनॉरिटीज है, हम जो संविधान के तहत हमारा अधिकार है वो राइट से वो हम मांग रहे हैं। हम किसी का अधिकार छीनने का बात नहीं बोल रहे, और सीए के बात जो बोल रहे हैं हम लोग सीए का विरोध कर रहे हैं। असम में दो सिस्टम नहीं होना चाहिए। हम लोग बोल रहे हैं एनआरसी 1971 25 मार्च सबके एनआरसी मिलना चाहिए, उसके बाद जाना चाहिए, और वहां पे किसी को सिटीजनशिप देगा और किसी को सिटीजनशिप से बाहर रखेगा, यही नहीं होना चाहिए। इसीलिए हम लोग ये मामला हम लोग सुप्रीम कोर्ट में भी किया। तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट में भी सीए के खिलाफ हम लड़ रहे हैं। तो इसी काम हम लोग कर रहे हैं। तो आप लोग हमको मदद, जब जब मदद चाहिए तो आप लोग मदद करेगा इंशाल्लाह। और दो लफ्ज आसाम से आके आपकी ये सभा में बोलने के लिए, देने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन, यूथ मूवमेंट ऑर्गेनाइजेशन को मैं दिल से बधाई देती हूँ, दिल से स्वागत करती हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। और हम लोगों के, आप लोगों के दो दिन की कॉन्फ्रेंस है, इस कॉन्फ्रेंस को सफल हो ये हम कामना करती हूँ। और जितना भी गेस्ट आए हुए हैं, जितना भी यहाँ पे मेहमान आए हुए हैं, सभी को हम सलाम पेश करता हूँ। और हमारे लिए दुआ कीजिए, हमको भी समय समय पर सजेशन दीजिए, ताकि हम असम की माइनॉरिटीज को लेके सारे इंडिया को, हिंदू हो मुसलमान हो सभी को लिए एक साथ काम करके असम और इंडिया को तरक्की कर सके। ये दुआ, ये आशीर्वाद आपको से मिलने की आशा करते हुए मैं मेरा वक्तव्य यहाँ पे खत्म करती हूँ। धन्यवाद।